सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे हो गए होंगे। तो गाइज, रिजल्ट के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। तो गाइज, अब हम बात करते हैं आपके जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। यानी कि आपको पता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हरियाणा के जो कॉलेज थे उनके फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम के जो एग्ज़ाम्स थे वो अभी चले हुए थे। कुछ एक यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऐसे हैं जिनके अभी भी चले हुए हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं जिनके हो चुके उनके सेकंड सेम की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, या फिर जिनके अब होंगे थोड़े दिनों में उनकी सेकंड सेम की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, या फिर फोर्थ सेम बोल सकते हो, या फिर सिक्स्थ सेम बोल सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार जो होता है इवन सेम चलते हैं, एक बार ओड सेम चलते हैं। ठीक है, ये साइकिल बनी हुई है। यानी कि एक बार जो स्टूडेंट होंगे वो इवन इवन इवन, और एक बार होंगे ओड ओड ओड। ठीक है, तो ओड के अभी एग्ज़ाम हुए थे, अब इवन सेमेस्टर के जो क्लासेज हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, कोई छुट्टियाँ आपको नहीं मिलती हैं जैसा कि स्कूल्स में होता था। कोई भी एग्ज़ाम ख़त्म होते थे उसके बाद हमें 4-5 दिन की छुट्टियाँ मिलती थी। तो कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके नेक्स्ट डे ही यहाँ पर आप जा सकते हो क्लासेज के लिए। ठीक है, यानी कि क्लासेज ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएंगी उसके नेक्स्ट डे ही। हाँ, वो बात अलग है कि भाई एकदम से जो है स्ट्रेंथ नहीं आती कम्प्लीट, तो यहाँ पर आपके जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो 2-3 दिन का यहाँ पर गैप दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइज ऐसा कि भाई इस डेट से क्लास स्टार्ट होगी या इससे होगी या ये टाइम मिलेगा। गाइज, जिस दिन आपके यहाँ पर एग्ज़ाम ख़त्म हुए उससे नेक्स्ट डे ही आपका सेकंड सेम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइज देखिए, अब यहाँ पर कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के एग्ज़ाम हैं वो अभी मार्च में ख़त्म हो गए हैं, तो 1 अप्रैल से कहा जा रहा है कि उनका नया सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, समझ गए? यानी कि 1 अप्रैल से कॉलेज के यहाँ पर जो इवन सेमेस्टर्स हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बात करें जिनके अप्रैल में भी 4-5 दिन और एग्ज़ाम चलने हैं, उनके यहाँ पर फिर जिस दिन भी उनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके 1-2 दिन के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ पूरी वीडियो को। गाइज, जिस दिन आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे कॉलेज के उससे 1-2 दिन के अंदर ही नेक्स्ट सेम की क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज, अगर अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर अपडेट जो है मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।